हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। तो देखो, आज के वीडियो में ना मैं बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूँ एंड आई डोंट नो कि भाई कहाँ तक जाएगी बात एंड पता नहीं है, बट मैं जरूरी बात करूँगा। पहली चीज ये, दूसरी कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं कि भाई मे बी इस वीडियो पे कुछ भी स्ट्राइक आ जाए, पता नहीं क्या हो, बट तो भी मैं ये वीडियो एज अ रिस्क उठा के डाल रहा हूँ। थर्ड चीज़ कि भाई मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूँ किस इस गेम को या फिर इस गेम की कंपनी को, मैं जैसा आपको सच बता रहा हूँ, ओके सच बता रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं गेम को हेट करने लगा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि भाई इस वीडियो के बाद क्लैश ऑफ क्लैन का वीडियो नहीं आएगा। मैं जस्ट आपको सच बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ओके, आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन करते हो, इतनी पसंद है गेम, ओके तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कहाँ से बात करें, तो एक काम करते हैं ना, CWL से ही बात करते हैं। ओके, मैं एक ही चीज़ है, मेरे को यही चीज़ बतानी, मेन चीज़। ओके, बाकी अदर थिंग्स मेरे को नहीं बतानी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो CWL की बात करते हैं। आपको पता है CWL में जैसे तैसे क्लीन नहीं आते। ओके, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए भी मतलब कुछ होना चाहिए, दम होना चाहिए। ओके, वहाँ पे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक तो जाने की बात ही अलग है, बट पार्टिसिपेट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए आप में, आपके क्लेन में। तो ऐसे में हमारा एक क्लेन जाता है बांग्लादेश। ओके, जो कि बांग्लादेश क्लेन में बांग्लादेशी भी है प्लस इंडियंस भी है कुछ प्लेयर, जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, कितने प्लेयर है नहीं पता बट इंडियंस है प्लेयर कुछ, और मतलब कि इंडियंस भी प्लेयर है और बांग्लादेश भी है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें तो बांग्लादेश गया, ओके आगे तक। अब यहाँ पे किसी को पता नहीं था, इवन मेरे को भी नहीं पता था, इवन मेरे को सेमीफाइनल में मे भी पता चला, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में पता चला था कि भाई बांग्लादेश करके क्लेन आया है यहाँ तक। अब वो आया, क्वार्टर फाइनल में आया, सेमीफाइनल में आया, फाइनल में भी आ गया और फाइनल में जीत भी गया। ओके, सबसे पहली चीज़, CWL फाइनल में सबको फिनलैंड पर इन्वाइट करते हैं, सुपरसेल ने इन्वाइट नहीं किया। ओके, अभी तक देख लेना, डार्क लूटर को 2 से 3 बार इन्वाइट किया है। ओके, और रेगुलर जो क्लीन वॉल लीग है हमारी, ओके जो गेम इन गेम क्लीन वॉल लीग, उसके स्ट्रीम के लिए तो इनवाइट किया था, वो तो अलग, और ये चैंपियंस वॉल लीग के लिए 2-3 बार इनवाइट किया था, वो तो अलग। चलो वो तो फाइनल में आए थे इसीलिए 2-3 बार इनवाइट किया था। ओके, फाइनल में आए थे इसीलिए, तो बांग्लादेश भी फाइनल में आया है। ओके, फिनलैंड इनवाइट नहीं आया, दोनों में से किसी क्लेन को नहीं आया, बस 24 आवर की लाइव स्ट्रीम रख दी उन्होंने, 24 आवर की लाइव स्ट्रीम रखी। अब तक की हर एक सीजन में दोनों क्लेन को फाइनल में फिनलैंड बुलाते हैं, इसी सीजन में दोनों क्लीन को अपने घर, मतलब कि ऐसा, अब आप वहाँ घर बैठ के ही अटैक करो 24 आवर, आपके क्लीन में आके यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करेंगे ट्विच पे, यूट्यूब पे, वॉट एवर। ओके, वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम भी नहीं देखी, बस मैंने रिजल्ट देखा सुबह उठ के, वो भी मैं बस ख़त्म, और मैंने, मेरे को अच्छा लगा, खुशी हुई। तो पहले तो ये एक चीज़ कि भाई अचानक ही भाई मैं भी वही सोचता था, जैसे मेरे को पता चला ना कि फाइनल में आया है ना, मैं इतना खुश हो गया, चलो भाई एक यहाँ का एशिया का क्लेन जो है जो फाइनल में जाएगा। ओके, इतना, और मैंने तो इतना भी सोचा था कि भाई देखने को मिलेगा कि भाई कौन है वो प्लेयर, मतलब कि जो वो, मतलब कि अब वहाँ पे स्टेज पे बैठा थे ना उनको, पर देखने को तो मिलेगा कौन है वो 5 प्लेयर क्लेन में। ओके, वैसे पता नहीं चलता ना वो क्लेन में, मतलब कि बंदे का उम्र कैसे है, कहाँ रहते हैं, एज कितनी है, नाम क्या है, रियल नेम, वो पता नहीं चलता, बट इसमें पता चल जाता है वो कैसे दिखते हैं वगैरह। तो बुलाया ही नहीं। ओके, अब क्या रीज़न है आई डोंट नो, और मेरे को जानना भी नहीं है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ बुलाया नहीं है। ओके, और रीज़न भी हमको बताया गया नहीं है, और ना ही मुझे बताया, ना ही आपको बताया, मेरे को तो पता भी नहीं है। ओके, और ना मेरे को जानना है, बट मैं बहुत चाहता था कि भाई बुलाया, और बुलाया नहीं है। ओके, क्या रीज़न है पता नहीं, बट इस सीज़न में नहीं बुलाया। ओके, और नेक्स्ट सीजन में अगर बांग्लादेश के अलावा कोई और अदर 2 क्लेन आते हैं जो कि एशिया के नहीं होते, और अगर उन दोनों को क्लेन को बुलाया, ओके तो आप लोग समझ लेना कि भाई क्या चल रहा है। ओके, मैं अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ, ओके मैं, आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, इनडायरेक्टली समझ जाओ, नेक्स्ट सीजन अगर बांग्लादेश के अलावा या फिर कोई अदर ही कंट्री के प्लेयर आए, ओके और उनके 2 क्लेन को फिनलैंड बुलाया गया, ओके तो समझ लेना कि भाई क्या चल रहा है। ओके, मैं उस टाइम याद दिलाने के लिए वीडियो बनाऊंगा, ओके और इस वीडियो की लिंक भी वहां पे रखूंगा कि भाई मैंने आज से कुछ महीनों पहले ये चीज बोली थी। ओके, अब समझ लेना। ओके, दूसरी चीज, सुपरसेल भाई
बांग्लादेश क्लेन इतना भाई इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सुमित क्लेन में जाके आया। ओके मुझे बाय फॉरएवर में जाने को बोला था, मतलब कि मेरे फ्रेंड ने बोला जाना है तेरे को, मतलब कि जो जो सामने वाला क्लेन हार गया था फाइनल में उसमें, मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं अभी गया भी नहीं। ओके तो वहाँ पे मैं गया, वीडियो भी मैंने नहीं बनाई, बट सुमित जाके आया। ओके बांग्लादेश में मैंने देखा तगड़े अटैकर है भाई, और मज़ा, दिल खुश हो जाए वहाँ पे जाके, और इतना अच्छा क्लेन है। अप्रिशिएट किसने किया मुझे ये चीज़ बताओ, इतना टॉप पे आए हैं। क्लैश ऑफ क्लैन आपने देखा होगा अब तक की जितने भी सीजन, अगर कोई भी क्लेन वॉन होता है ना, जीतता है ना, तो उनको दो चीज़ मिलती है, एक पिक्का ट्रॉफी मिलती है, ओके जीतने वाले को गोल्डन पिक्का, और वहाँ पे सिल्वर पिक्का रनर सब हारने वाले को। तो यहाँ पर इनको गोल्डन पिक्का मिला या नहीं मिला वो पता नहीं, मे बी उनको पहुँच जाएगा घर पे, जो लीडर का घर है वहाँ पे। ओके पता नहीं है, बट हम लोगों को अभी तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या फिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो हमें पता नहीं है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई वो लोग क्लैश ऑफ क्लैन पोस्ट करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन डार्क लूटर CWL सीजन 3 जीतने के लिए। ओके मतलब कि वॉट एवर जो भी क्लेन होता है, बाय फॉर एवर वॉट एवर, इन गेम में वो लोग रखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन डार्क लूटर न्यूज सेक्शन में रखते हैं, मैंने देखा हुआ है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज सेक्शन में रखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन डार्क लूटर CWL जीतने के लिए। ये बांग्लादेश जीता एक पोस्ट तक नहीं आई, इतने 4 से 5 दिन हो गए, इन गेम में मैंने न्यूज तक नहीं देखी। ये देख लो इन गेम में न्यूज सेक्शन ओपन करो, कहाँ लिखा है ये वॉट 24 आवर लाइव स्ट्रीम लिखी है, उसके बाद कहाँ ये क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस का आया हुआ है। ओके कहाँ है भाई, एक अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, चलो इन गेम में नहीं रखते, आप लोग इवन पोस्ट तो करो ना, ट्विटर पे पोस्ट, ना फेसबुक पे पोस्ट है, ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, आप जाके उनके तीनों की तीनों सोशल मीडिया चेक कर लो। ओके लास्ट जितने भी सीजन है ना उन सभी सीजन के जीतने वाले क्लेन की उन्होंने पोस्ट की हुई है। ओके तो ये क्लेन के साथ क्या है भाई, ये भी क्लेन ही है ना, अब आप एप्रिशिएट करो कि भाई वो एक तो यार फाइनल में जितना जैसी तैसी बात नहीं है, अगर जैसी तैसी बात है ओके तो ये फिर ये लीग ही बकवास है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। ओके और जैसी तैसी बात नहीं है ओके, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत ही प्रो प्लेयर चाहिए उसके लिए। ओके तो अगर वो लोग जीतते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, कोई अप्रिशिएट यहाँ पे किया नहीं है। ओके और मैं सीधी बात बताऊँ, यहाँ पे सीधी बात, बाहर के लोग इतने जेलस है ना, बांग्लादेश जीता है ना क्लीन, सीधी बात बताऊँ इतने जेलस है ना पूछ बोलो ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे साला एशियन क्लेन कैसे जीता, एशियन क्लेन कैसे चैंपियन बना, क्योंकि अभी तो पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेशी टॉप क्लेन है, नंबर वन क्लेन है। ओके डार्क लूटर भी उनके नीचे है, कोई भी क्लेन हो ओके, तो वो लोग जेलस है। इवन मैं रेडिट पे देख रहा हूँ ना, रेडिट पे भी इस चीज के बारे में कुछ बातें नहीं हो रही, बाकी डार्क लूटर जीतता है ना तो भाई अब बाकी बोला फलाना ढीकू वगर आमते कुछ नहीं। ओके कुछ मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है, फाइनल हुई ही नहीं है CWL की, ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब कि कुछ लगता ही नहीं कि साला। और भाई यहाँ पे मैं एक बात, इतना मैंने बताया, अब मैं एक बात बोलता हूँ, कुछ इंडियन वॉर्कलैन ऐसा होते हैं कि जो बाहर के यूट्यूबर को बुलाते हैं, इंग्लिश यूट्यूबर को, जो इंग्लिश वीडियो बोलते हैं ओके, इसीलिए कि भाई सुपरसेल उनको बुलाए अप्रिशिएट करे क्योंकि इंग्लिश है ओके, और वो अंडर्स होते हैं सुपरसेल से तो पता चलता है सुपरसेल को। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ, ये लो देख लीजिए, इवन एक अप्रिशिएट करने के लिए कुछ सपोर्ट भी नहीं करते, इवन एक पोस्ट तक नहीं करी। मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई इनको पोस्ट तो करनी चाहिए थी, चलो CWL के लिए फिनलैंड नहीं बुलाया चलेगा, वो लोग नहीं बुलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं ये लोग चैंपियन नहीं बनेंगे। ओके चलेगा नहीं बुलाया तो ओके, चलो उन्होंने इतना तक कि भाई इन गेम में उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोला चलेगा, बट एक क्या बोलते हैं फॉरम पे एक थ्रेड बना दे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन ये वगैरह करा। उसके बाद आपको पता है जब वो फाइनल की वॉर रिकैप के लिए ना बाहर के यूट्यूबर होते हैं, जो वॉट एवर कोई भी यूट्यूबर चाहता है उसके वीडियो भी शेयर करती है क्लैश ऑफ क्लैन अपने सोशल मीडिया पे, वो भी नहीं हुआ। ओके यहाँ पर तो सुमित ने तो वॉर रिकैप कर ही दिया था। ओके वो तो आपको पता ही, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि भाई चल क्या रहा है भाई, मैं आपको वही सोच रहा हूँ, आप भी ये पूरा समझ रहे हो कि आपको भी ये बस ऐसे ही निकल गया है, आप लोग सब ये नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, कोई एक गेम है, गेम को ना इतना ही मत चिपक जाना, देखना ओके, क्योंकि हमें गरज नहीं है ओके उस गेम की, मुझे भी इवन मुझे किसी की गेम की गरज नहीं है ओके, गेम है गेम की तरह लेता हूँ ओके। आप लोग एक ये सिंपल आइडिया है ओके, ये सिंपल मैंने चीज़ बताई, और ये देखो मैं कुछ हेट नहीं फैला हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो भी बोला है ना वो अभी तक का सच ही बोला है ओके, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, अगर मैंने झूठ बोला है ओके तो साबित करके दिखाना, जो भी कोई यहाँ पर किसी को भी लगता है ओके, आप लोग खुद देख लीजिए ओके, ना पोस्ट आई ओके, ना इन गेम में उनको भाई अप्रिशिएट करे ना किसी को भी है ना, तो वो जो जो भी क्लेन है वॉट एवर
ओके उसको एक्चुअली में अच्छा लगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, आप लोग समझ रहे हो। और चलो भाई अप्रिशिएट नहीं किया तो आगे हर एक क्लाइंट को अप्रिशिएट करते आ रहे, एक उनके लिए पोस्ट करते आ रहे, तो इस क्लाइंट को एक पोस्ट क्यों नहीं। तो भाई ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी देखनी है। और मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश क्लाइंट की वजह से नहीं, दो चीज़ की वजह से। फर्स्ट कि भाई वो तो एक एशियन क्लाइंट है, ओके आई थिंक CWL फाइनल में पहला एशियन क्लाइंट आया हुआ है, ओके। दूसरा उसमें इंडियन प्लेयर्स भी है, ओके इसीलिए मैं ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं पढ़ता ही नहीं, कोई अदर क्लेन के बीच साथ ये होता ना तो मैं पढ़ता भी नहीं, कोई बाहर का कोई क्लेन होता ओके एशिया बाहर का फिर व्हाटएवर तो मैं पढ़ता ही नहीं, बाहर भेजा है भाई मेरे को खुद परवाह नहीं है। बट यहाँ पर भाई अपने लोग हैं ओके, और यहाँ के ही भाई हम बांग्लादेश के प्लेयर है, बांग्लादेश के मेरे भी सब्सक्राइबर है, वो लोग भी कितना मांग कर रहे हैं पता है। फेसबुक पेज पे बोल रहा है कि फेसबुक पोस्ट पे हर एक कमेंट में बोलते हैं कि भाई हम लोगों को हमारा बांग्लादेश का फ्लैग चाहिए ओके। और इवन सुमित ने भी मेरे को बोला था कि भाई इसका क्या हो, बांग्लादेश का फ्लैग आ सकता है नहीं आ सकता, अभी दो तीन दिन पहले ही बोला था, व्हाट्सएप पे बात हुई थी इसके ही बारे में। तो मैंने बोला था कि भाई उसमें ना बहुत मतलब कि क्लैश ऑफ क्लैन कोई प्रॉब्लम है, रेडिट पे एक पोस्ट थी उसमें पूरी पोस्ट आप लोग पढ़ लेना, बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर ही पूरी पोस्ट थी, मतलब कि जिस कंट्री के फ्लैग नहीं ना उसी पे पोस्ट थी कि भाई क्यों क्लैश ऑफ क्लैन एयर नहीं कर रही रेडिट पे। उसमें डेरियन ने रिप्लाई भी दिया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या हुआ पता है, लोग जब अब सीधी बात है ना, हम लोगों ने बोला था कि भाई सुपर सेल इंडिया में आओ ओके, हमने बहुत मांग की थी, हम भी ऐसे ही पागल हो गए थे, वैसे वो लोग भी मांग कर रहे हैं पागल हो गए तो उसमें कोई बुरा ही नहीं ओके। तो वहाँ पे बंदे क्या बोलते हैं पता है कि भाई डोंट ऐड बांग्लादेश फ्लैग वगैरह कर ले, मतलब कि उनको ट्रोल करते हैं, मैंने खुद ने देखा है। आप जाके खुद बनना ना, कोई भी फेसबुक पोस्ट आए ना मेन ऑफिशियल पेज की ओके, इंडिया के पेज की नहीं ऑफिशियल पेज की, तो कॉमेंट ओपन करना लोग ना ट्रोल करते हैं ओके। तो अभी ना वो जितने भी ट्रोल करने वाले थे वो सब चुप हो गए क्योंकि बांग्लादेश जीता है ना, इसीलिए वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सीरियसली बहुत चले से मैं आपको बताऊं, बहुत मतलब बहुत 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 मैंने तो बहुत देखा है कि भाई वो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई कैसे जीता कैसे यार बांग्लादेश, क्योंकि सोचा नहीं था ना भाई कि भाई ऐसा भी एशिया में भी ऐसे क्लेन है और इवन इंडिया में भी ऐसे क्लेन है ओके। बट मैं इसीलिए आपको पता है, मैं इसीलिए इन सब चीज़ें में नहीं गया, मैं वॉर अटैक स्ट्रेटेजी और इन सब चीज़ में भाई हम लोग सपोर्ट करें क्लाइंट को, इतना आगे ले जाए और लास्ट में अगर यही होना है ओके, जो कि मैंने आगे वीडियो में बताया, तो फिर काम का क्या भाई इतनी मेहनत, क्या काम की मुझे बताओ। वो जब अगर क्लैश ऑफ क्लैन एक लाइव स्ट्रीम कर देती अपने ऑफिशियल मेन चैनल पे, तो बांग्लादेश क्लाइंट को कितना नाम मिलता आप लोग सोचिए। और वो जीता है ओके, और वो फाइनल में आया जैसे तक क्लाइंट नहीं है, वो उसके लायक है, उस नाम के लायक है ओके। एप्रिसिएट तो करना बनता है, ये चीज ना मेरे को पसंद ही नहीं है। मैंने सोचा भाई एक बार वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, भले ही स्ट्राइक आ जाए आई डोंट केयर ओके, भले चैनल उड़ा दे, बट ये भाई सच्चाई है। देखो यार ये आपको भी समझ नहीं है, आप एक देखो क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, व्हाटएवर हो ओके, चाहे कोई भी गेम के प्लेयर हो, क्लैश ऑफ क्लैन के हो, पबजी के हो या फिर टेम्पल एंड व्हाटएवर के हो ओके, वो एक गेम है, आप उसको एक गेम की तरह लो ओके। वो आपको अपनी जिम्मेदारी का भी ध्यान होना चाहिए ओके, और देखना चाहिए कि भाई, क्योंकि देखो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलती ओके, आप देते हो तभी सामने से मिलती है। अब आप देते ही जाओ सामने से मिले ही नहीं ना, तो फिर देने की जरूरत ही नहीं है भाई रिस्पेक्ट, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा तो इतना मूड आउट हो गया है ना जब से मैंने वो देखा ना लाइव स्ट्रीम के बाद, उन्होंने बुलाया नहीं ना, मैंने सोचा चल ठीक है एक पोस्ट कर देंगे, अच्छा है सब लोगों को पता चलेगा भाई एशियन क्लिनिक आगे आया बांग्लादेश, इवन एक पोस्ट तक नहीं की यार, ये एक पोस्ट तक नहीं कर सकते, इतना मूड आउट हो गया ना। खैर खत्म यहाँ पे, मैं वीडियो खत्म करता हूँ वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और देखो इसके बाद भी क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो तो आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी ओके। बट मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये एक गेम है, समझो सोचो क्या चल रहा है पूरा ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि उसमें तो भाई वो नहीं बता सकता क्योंकि उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी। बट जितनी मैं बता सकता था उतनी मैंने बताई, और इतना ही बता सकता हूँ कि भाई आप लोगों को ना जहाँ पर घुमाए वहाँ पर घूम मत जाओ ओके, और थोड़ा सोचो समझो कुछ भी चल रहा है ओके व्हाटएवर, क्योंकि अभी ना आप बह जाओगे क्लैश ऑफ क्लैन हो मेरी प्यारी गेम, बट क्या चल रहा है वो देखो, फोकट का हमारा कोई यूज़ कर जाए ना, ऐसा नहीं करना हम लोगों को ओके। बाय बाय।